Good afternoon, students. Today we will start the next topic, that is integration of some particular function. Okay, firstly we will do the formulas. First formula is integration of dx upon x square minus a square, that is 1 by 2a log x minus a upon x plus a plus c. Second formula is dx upon a square minus x square is there. So in this case, formula is 1 by 2a log a plus x upon a minus x plus c. Okay. Next is dx upon x square plus a square. So formula is 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Next is dx upon under root a square minus x square. That is, what is this? Sine inverse x upon a plus c. Fifth formula is dx upon under root x square minus a square. That is log x plus under root x square minus a square plus c. Next is dx upon under root x square plus a square. That is log x plus under root x square plus a square plus c. This is the formula. These are the formulas. You can see, first thing, how can you learn these formulas? Firstly, you learn these two formulas. These are almost same. The difference is 1 by 2a log. यहां पे बेटा x square minus a square है, तो ऊपर x minus a upon क्या आ जाता है? x plus a. और इसमें a square minus x square है, तो ये चीज हो जाती. फिर आप इन दोनों को लर्न करो कि जो x square plus a square हो गया तो 1 upon a tan inverse x upon a होगा, बट अगर रूट के अंदर हो गया तो साइन इनवर्स x upon a plus c. नेक्स्ट इज अगर dx upon under root x square minus a square है, तो इसको हम लिख देते हैं log x plus under root x square minus a square plus c. नेक्स्ट इज दिस log x plus under root x square plus a square plus c. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व इन दीज फॉर्मूलाज, x square, दैट मीन्स कॉफिशियंट ऑफ x मस्ट बी यूनिटी. यूनिटी का क्या मतलब होता है? कि वन होना चाहिए इसके साथ. कभी भी इससे ज्यादा अगर कुछ होगा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर वाला रूल लगाना पड़ेगा. परफेक्ट स्क्वायर का रूल क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या था? कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को यूनिटी बनाओ, फिर उसके बाद कॉफिशियंट ऑफ एक्स देखो, फिर उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर करके एड और सब्ट्रैक्ट कर दो. सेम वे यू कैन सी दीज फॉर्मूलाज आर अप्लाइड ओनली इफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स इज यूनिटी. अगर यूनिटी नहीं होगा तो ये फॉर्मूलाज नहीं लगेंगे. ओके, सो बी केयरफुल वाइल डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड अपॉन दीज फॉर्मूलाज इज, यू कैन सी. अब बेटा ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 फ्रॉम एनसीईआरटी. क्या गिवन है? क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x 6 प्लस 1 डीएक्स. बेटे अब देखो, ये फॉर्मूलाज तब लगेंगे जहां ऊपर अकेला dx हो. तो इसका मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो. 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx. अब क्या करो? सब्स्टिट्यूशन करो. x क्यूब को क्या पुट कर दो? t. तो यहां से आ गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय 3. ओके, तो 1 बाय 3 dt अपॉन, सॉरी, 3x स्क्वायर है तो 1 बाय 3 भी गया, इसको भी इधर ही रहने दो. सो dt अपॉन कितना आ गया? t स्क्वायर प्लस 1. ओके, t स्क्वायर प्लस 1. अब यहां क्या आ गया? ये x स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया. तो यहां क्या फॉर्मूला हो गया? 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c. सो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c इज योर आंसर. In this case, next is question number 2 is dx upon under root
वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब देखो पहली चीज ऊपर डीएक्स है डीएक्स, फर्स्ट कंडीशन फॉर्मूलाज की, पर नीचे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी नहीं है, तो आप क्या करो फोर बाहर ले लो, फोर जब बाहर लोगे रूट है, दैट मीन्स आपके पास बाहर क्या आएगा टू आएगा, अंदर क्या रह गया डीएक्स अपॉन वन बाय फोर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके आप देखो वन बाय टू डीएक्स अपॉन वन बाय टू होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वन बाय टू, अब क्या है ये कहां लगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो फॉर्मूला क्या होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन बाय टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लस सी, और ये आपका मॉडिफाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज डीएक्स अपॉन अंडर रूट टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वन। अब देखो ऊपर डीएक्स इट्स ओके, पर नीचे एक्स स्क्वायर नहीं है कुछ और है, तो थोड़ा और सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, टू माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, सो डीएक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब आपके पास क्या हो गया माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो माइनस लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी माइनस लॉग टू माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस सी इज योर आंसर। ओके दिस इज द कंसेप्ट, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस। नेक्स्ट इज आई डिस्कस विद यू, सो फोर फाइव सिक्स इज योर होमवर्क, आई डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर सेवन। वट इज क्वेश्चन नंबर सेवन, बिफोर आई स्टार्ट दिस आई जस्ट डिस्कस द नेक्स्ट थिंग विद यू इज हियर इट इज गिवन टू यू, क्वेश्चन नंबर सेवन इज गिवन टू यू, एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके तो बेटा इसमें क्या करोगे, पहले इसको ठीक करके लिखो, इसको लिखो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स, और इधर लिखो वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स। अब देखो इसमें नहीं अप्लाई हो सकता फॉर्मूला, इसमें होगा अप्लाई, क्योंकि ये देखो ये तुम्हें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो ये चीज बन जाती। इसमें क्या करो एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी पुट कर दो, सो टू एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी बाय टू। ओके सो वन बाय टू, पहले मैं ये वाला इंटीग्रेंट सॉल्व कर रही हूं, वन बाय टू डी टी अपॉन रूट टी, इसको ही सॉल्व कर ले, वन बाय टू टी माइनस वन बाय टू डी टी, वन बाय टू टी वन बाय टू अपॉन वन बाय टू प्लस कुछ नहीं, अभी चलो वन बाय टू कैंसल, यू गॉट रूट टी, रूट टी को क्या लिख दोगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहां तक देखो कि ये चीज आपकी, मैंने इसके साथ प्लस साइंस लगा दिए। ओके नेक्स्ट इज, अब आपके पास देखो यहां क्या है, यहां आपके पास गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके ऊपर ये देखो प्लस माइनस हो जाएगा सॉरी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास माइनस लॉग एक्स अपॉन कितना होगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी इज योर आंसर, क्योंकि यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, सो दैट इज योर आंसर इन दिस केस। ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल डू क्वेश्चन नंबर एट, दैट इज क्वेश्चन नंबर एट इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स सिक्स, एक्स सिक्स को क्या लिखोगे एक्स क्यूब का स्क्वायर, और इसको ए क्यूब का स्क्वायर डीएक्स, ये लिख दिया। अब फिर वही प्रॉब्लम है कि डीएक्स नहीं हो पर, तो एक्स क्यूब को क्या पुट कर दे टी, ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके सो ये आया वन बाय थ्री डी टी अपॉन कितना हो गया टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन बाय थ्री लॉग टी प्लस
टी स्क्वायर प्लस ए सिक्स प्लस सी, 1/3 लॉग टी को क्या लिख दोगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स सिक्स प्लस ए सिक्स प्लस सी इज योर आंसर. ओके, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 9 यू कैन डू योर सेल्फ. आई डिस्कस विद यू नेक्स्ट टाइप. क्वेश्चन नंबर 10, 1/√(x^2 + 2x + 5) dx. ओके, अब इसमें क्या करोगे बेटे, देखो अब यहां देखो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. कैसे बनाएंगे, ये देखो dx है ऊपर, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ एक्स यूनिटी है, ओके कोई प्रॉब्लम, 2x लिख दिया प्लस, अब देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी, फिर उसके बाद कोफिशियंट ऑफ एक्स देखो कितना है 2, हाफ ऑफ दैट 1, स्क्वायर ऑफ दैट 1, तो मतलब 1 ऐड कर दो, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दो. ओके, अब देखो ये क्या बन गया, ये बना आपके पास x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4, सो 2 स्क्वायर आ गया. अब आपके पास क्या करोगे, x प्लस 1 को t पुट कर दो, dx इज इक्वल टू dt. ओके, फिर इधर किया dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गया log मॉड ऑफ t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी. अब पुट कर दो log अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी इज योर आंसर. आई होप दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी. डीएक्स अपॉन अंडर रूट 7 - 6x - x². देखो बेटा अब इसमें थोड़ा सा ठीक करो, 7 अंदर आ गया 6x² + 6x. ओके, अब देखो कॉफिशियंट ऑफ एक्स यूनिटी है, एक्स का सॉरी एक्स स्क्वायर की कॉफिशियंट यूनिटी है, एक्स का कॉफिशियंट 6 है, उसका हाफ 3, दैट मींस 9 ऐड कर दिया स्क्वायर करके. अब देखो एक्चुअली ये 9 माइनस हो रहा है, दैट मींस 9 इधर ऐड हो जाएगा. तो आपके पास क्या आ गया, डीएक्स अपॉन ये रूट के अंदर है 16, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर. अब x प्लस 3 को t पुट कर दो, dx इज इक्वल टू dt और आपके पास आ गया dt अपॉन 4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, मतलब साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस C is your answer. Okay, I hope this concept is clear to you and you are able to do up to question number 16. Okay, now we will move to question number 17. Question number 17 is x plus 2 upon under root x square minus 1 dx. X upon under root x square minus 1 dx प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. अब देखो इसमें भी सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट करो, 2x dx इज इक्वल टू dt. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज x dx आ गया, सो इसको लिख दो 1/2 dt अपॉन t की पावर 1/2 और इधर आ गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. ओके, जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 रूट टी अपॉन 1/2. ओके, प्लस 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आ गया 4 रूट टी, मतलब 4 आपके पास आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, और यहां आ गया 2 लॉग अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी और ये आ गया 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इज योर आंसर. विद दिस
I have discussed that mostly the topic of this exercise. So you are able to do the questions based upon this. With this, your exercise 7.4 is complete, and rest of the question you can do yourself. Okay, bye bye.